आज मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। राज की बातें हैं कि जैसे ही आपने रॉकेट लॉन्च का आप सुना होगा, जब रॉकेट लॉन्च करता है तो आपने देखा होगा एक ऊंचाई के बाद, एक मैक्सिमम ऊंचाई के बाद नीचे वाले पार्ट को छोड़ देता है, गिरा देता है, जला देता है, और फिर जब वो आगे बढ़ता है तो फिर से वो नीचे वाले पार्ट को गिरा देता है, और फिर से जब वो आगे बढ़ता है तो फिर से वो नीचे वाले पार्ट गिरा देता है, और फिर जाकर के अंत में वो ऑर्बिट में सेट हो जाता है और उस तरह से वो उपग्रह काम करना शुरू कर देता है। हमने ये बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो एक ऊंचाई पे जाने के बाद आपको जो नीचे वाले, जो नीचे तबके के आपके दोस्त हैं, जो मित्र हैं, जो सहपाठी हैं, जो हैं, उनको आपको छोड़ना होगा। हम लोगों की एक बुरी आदत है कि जिसको पकड़ लिया वही जीवन मान लिया, जिसको एक बार मिल गया मेरे दोस्त उसको जीवन मान लेते हैं और फिर उसको छोड़ने का नाम नहीं लेते, बस पकड़ करके सोचते हैं यही दुनिया है, यही जीवन है, छोड़ते नहीं हैं। और ये जीवन परिवर्तन मांगती है। हम लोग क्या करते हैं कि एक चीज मिल गया उसको छोड़ेंगे नहीं, वही जीवन है, और परिवर्तन स्वीकार नहीं करते। आपको अगर सफलता पाना है तो आप परिवर्तन स्वीकार करो। जब जब आप आगे बढ़ें, एक दूरी तय करने के बाद आपको एक लेवल तक छोड़ना पड़ेगा। एक आपको वाक्य सुनाता हूं। एक व्यक्ति था, राजा के पास गया, राजा ने कहा कि तुम्हें मृत्यु दंड चाहिए या फिर एक पूरे बोरे में, कहा कि पूरे बोरे में ईंट भरे हुए हैं, सोने के ईंट, ये सोने की ईंट भरे हैं। दो व्यक्ति, दो कैदी था, एक व्यक्ति को सोने की ईंट दे दिया कि लो लेकर भाग सकते हो, भागो, और एक व्यक्ति के पास भी ईंट दिया। जो व्यक्ति का जीवन प्यारा था वो सारे सोने की ईंट छोड़ा और वो भाग निकला, और जो व्यक्ति लोभ में फंसा रहा वो छोड़ा नहीं, सोने की ईंट की बोरी लेकर भाग रहा है, गिर रहा है, बिर रहा है, और जब वो आगे बढ़ रहा है तो बार बार फंस जा रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यानी कि आपने उस सोने की वस्तु की मांग करी, सोने की चीज को आपको लगा कि अब उस सोने की इतनी संपत्ति लेकर के भागूंगा तो ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा। कहने का सेंस ये है कि आपको अगर जान प्यारा, कहने का मेरा मतलब बच्चे है कि आप अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सोने रूपी ईंट को, जो लाइफ में हर्डल्स हैं, ये जो बाधाएं हैं, उसको छोड़ करके आपको मंजिल तक अगर पहुँचना है तो सारी लोभ लालच को छोड़ना पड़ेगा। आप उड़ना चाहते हैं, आप लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं, तो आपको ये छोटी मोटी सफलता से संतुष्ट न होकर के बड़ी सफलता की तरफ छलांग लगाना होगा। जब आप सफल हो जाएंगे, बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे, तो छोटी मोटी चीजें आपके रास्ते में धूल के समान होगा, एक ईंट के समान होगा कि हर ईंट पर रख करके एक बड़े ईंट, एक बड़े पत्थर पर आप जा सकते हैं, सफलता की तरफ पहुंच सकते हैं। बस करना यह है कि आपको छोड़ना सीखना है, जो चीज है उसको छोड़ना सीखें। जब आप किस चीज को छोड़ते हैं, जैसे आपको आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं और आगे रसगुल्ले हैं, तो जब तक लड्डू को आप छोड़ेंगे नहीं, रसगुल्ला आप कैसे लोगे, दोनों हाथ तो भरे हुए हैं। तो आपको सबसे पहला होता कि हम लाइफ में एक व्यक्ति मिल गया, एक दोस्त मिल गया, किसी बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड मिल गया, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड, तो ये जो तरीका है, जो मिल गया उसी में व्यक्ति जीवन बर्बाद कर देता है। आपको लाइफ में जब कोई नया चीज़ प्राप्त करना है तो पुराने चीज़ को तो छोड़ना पड़ेगा ना, आपको आगे बढ़ना है तो छोटी मोटी चीजों को छोड़ना होगा, तब आप महान चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। अब एक बार छोड़ना सीखो, फिर आप देखो कैसे महानता की तरफ बढ़ जाते हो। आप इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करने के लिए आप सबों को धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।